शिट मैन, ये अभी ये है अपना रूम का हालत। ये मेरा जिम रूम है, यहाँ पे मैं अभी ट्रेडमिल और बॉक्सिंग वगैरह ये सब रखा है, तो यहीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे है ये। ये दीदी का रूम है अभी, तो ये दो रूम आज बस कलर खत्म हुआ है और सब सामान इधर उधर पड़ा है, बहुत बिखरा हुआ है। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे मैंने आपको दिखाया कि घर का पेंटिंग चल रहा है, तो चीज़ें बहुत बिखरा हुआ है इधर उधर। तो अभी मैं अपने सिस्टर के रूम में हूँ, नीचे भी हालत बहुत ख़राब है रूम का, तो मैंने सोचा कि यहीं पे अनबॉक्सिंग करते हैं। राइनॉक्स स्टेल्थ है वो V3, ऑर्डर दिया था मैंने 4-5 दिन पहले, तो बहुत जल्दी डिलीवरी हो गया इसका। तो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जैकेट्स ऑफ राइनॉक्स, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। जितने भी राइडर्स हैं वो सब, मैक्सिमम जो लोग पहाड़ वहाड़ राइडिंग करते हैं, सब लोग यही जैकेट यूज करते हैं। तो ओपन करते हैं इसको। मैंने अभी तक मतलब सुबह आया है, लेकिन अनबॉक्सिंग के लिए मैंने रखा है इसको, अभी तक ओपन नहीं किया, आप लोगों को दिखाएंगे। ये फैन ऑफ करना पड़ा मुझे, फैन नहीं ऑफ करूंगा तो आवाज नहीं सुनाई देगा आप लोगों को, और बहुत ज्यादा गर्मी है यार। पहले तो पैकिंग बहुत मस्त है, एकदम लग तो नहीं रहा कोई डैमेज हुआ होगा। ओपन करते हैं। मैंने वैसे एक्सेल साइज मंगवाया है, कि मैं ऐसे रिव्यू में देख रहा था कि अगर आपको एल साइज मतलब 42 चेस्ट, अगर 42 टी शर्ट आप लोग यूज करते हो तो एल साइज अगर आप यूज करते हो तो एक साइज बड़ा आपको ये जैकेट लेना चाहिए। एल साइज ही लोगे तो वो जब थर्मल लाइनर पहनोगे तो वो बहुत टाइट हो जाएगा, तो एक साइज बड़ा लेना संबंधी है। जैकेट सो ये जैकेट मेरे को 12,000 में आया, बहुत ज्यादा हैवी है, और हैवी है मतलब जो प्रोटेक्शन है इसका बहुत मस्त होगा। वैसे ये L2 लेवल प्रोटेक्टर यहाँ पे है, ये इसका एल्बो प्रोटेक्टर, चेस्ट पे भी है यहाँ पे दो, ये शोल्डर एल्बो और बैक में भी है, बैक प्रोटेक्टर भी है यहाँ पे। इस जैकेट में एयर वेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे ये अपर चेस्ट पे यहाँ पे ये एक एयर वेंट्स है, और यहाँ पे आप ये टैग कर सकते हो शोल्डर पे, इस साइड भी है एयर वेंट्स। यहाँ पे एक है, ये एक एयर वेंट है यहाँ पे ये वाला, और यहाँ से आप इसको खोलो और ऐसे मूव करके यहाँ पे भी आप इसको अटैच कर सकते हो एयर मूवमेंट के लिए। इस साइड भी सेम है। ठीक है, और इससे आप अपना जो कमर का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ पे, कि बॉडी से टाइट फिट हो रहे यहाँ पे। और पीछे भी एक एयर वेंट है, पीछे ये भी रहा, यहाँ से भी एयर सर्कुलेशन चलेगा। तो अगर आप नॉर्मल सिटी राइडिंग करते हो बहुत गर्मी में, तो ये जैकेट बहुत मस्त है, उतना गर्मी आपको नहीं लगेगा। ओके, और इसमें पॉकेट्स है, ये यहाँ पे दो पॉकेट है, ये पीछे आपका एक बैक पॉकेट, इसमें शायद रेन लाइनर भी रहेगा, हाँ इसके अंदर रेन लाइनर होगा, यस हाँ। ये रेन लाइनर आपको ऐसे बहुत सारे जैकेट्स में होता है जैसे आप अंदर पहनते हो, लेकिन इसमें जो रेन लाइनर है ये जैकेट के ऊपर से आपको पहनना पड़ेगा। ये एक अच्छा चीज़ है इसका, ऐसा होता है ना जो जिस जैकेट्स में रेन लाइनर अंदर होता है, तो वो जब बारिश होता है तो जैकेट भीग जाता है पूरा,
और उस बारिश को लेके चलना पड़ता है, उस पानी को लेके चलना पड़ता है जैकेट के साथ। लेकिन अगर ऐसे रेन लाइनर जैकेट के बाहर हो तो आप जैकेट के ऊपर पहनो, जैकेट बिल्कुल नहीं भीगेगा। और जब बारिश खत्म हो जाए फिर खोल दो रेन लाइनर और पीछे बैक पॉकेट में डाल दो। हाँ, तो अब मैं ये जैकेट पहनूंगा। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जो चेन है और इसके ऊपर वेलक्रोज है बहुत सारा मस्त, लाइक यहाँ से बिल्कुल भी एयर पास नहीं होगा। और जैकेट में तो विंड ब्लास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो आपको फील ही नहीं होगा बिल्कुल विंड ब्लास्ट। और ये थर्मल लेयरिंग है, यहाँ पे टैग है, इस टैग को आप ऐसे खोल के पूरा थर्मल को, इसमें भी है। ओ सॉरी, मैं ये मिस कर दिया हैंड पे, यहाँ पे भी वेंट्स है, दोनों दोनों हाथ में है वेंट ये वाला। तो मतलब एयर सर्कुलेशन का बहुत खास ख्याल रखा गया है जैकेट में कि गर्मी ना लगे। और ये हैंड पे जो स्ट्रैप यूज किया है रबर स्ट्रैप, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। चेन भी दोनों तरफ से यहाँ पे दिया हुआ है। ये थर्मल खोलने के लिए अंदर एक और स्ट्रैप हैंड पे, इसको खोला, दो स्ट्रैप है क्या, हाँ यहाँ पे एक और है, तो हैंड पे दो दो स्ट्रैप है। ये रहा थर्मल, मतलब ये जैकेट पहन के आप पहाड़ पे भी चढ़ जाओ, अब 0 डिग्री पे भी जा सकते हो ये जैकेट पहन के नॉर्मली। फिटिंग तो मस्त लग रहा है मुझे, सही होगा फिटिंग। लेट्स वेयर दिस जैकेट नाउ। ओह फक, ये चेन लगा दो, इसको मैं अंदर डाल दूं पहले। इधर क्रॉस इसको भी लगा डाल दिया, तो ये फिटिंग्स तो मेरे को सही लग रहा है बहुत। अब यहाँ पे इसको ऐसे टाइट कर सकते हो, दोनों हैंड को टाइट कर दो, ये हो गया, इसको भी टाइट कर सकते हो। ये अपना, ये दिखने में तो बहुत ही मतलब ऑर्डिनरी सा लग रहा था, लेकिन अभी मस्त लग रहा है कैसे बेल्ट का जो है। तो इस साइड जब जाना है ऐसे करेंगे, अब और क्या है इसमें है, ये बेल्ट है स्ट्रैप, तो ये बहुत ही खास चीज है, तो सब जैकेट्स में नहीं होते। इसको हम ऐसे पहन के गाड़ी चलाते चलाते अगर आपको बैक पेन हुआ तो ये पहन सकते हैं लोग। तो हाँ, ये नेक पे भी एक है, यहाँ पे भी आप ऐसे इसको बड़ा छोटा तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसे शोल्डर का कोई चाप नहीं है। पीछे से आप देखिए, ये यहाँ पे रेन लाइनर आप रख सकते हो, एयर वेंट्स सारा खुला हुआ है, ठंड लगे तो एयर वेंट्स यहाँ से बंद कर दीजिए, सारा बंद कर दीजिए। और रेन लाइनर भी एक बार पहन के आपको दिखाते हैं,
फुल फिट, तो अभी बारिश बिल्कुल नहीं लगेगा जैकेट पे, तो जब बारिश हो तब अभी आप लोग ये पहन लो पीछे बैक पॉकेट से निकाल के, और जब बारिश खत्म हो जाए तो फिर से डाल दो बैक पॉकेट में। इजी टू कैरी एंड जैकेट, बारिश के पानी से जैकेट भारी होने का भी डर आपको नहीं लगेगा। इसका मैं प्रोटेक्शन दिखाऊंगा आप लोगों को, मैं इसको खोलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 3 सैंडविच लेयर है, बहुत ही खास है। इस जैकेट का जो सेफ्टी लेवल है वो L2 लेवल है, यहाँ पे भी 3 है, ये बैक में भी यहाँ पे 3 है, यहाँ से खोल के आप देख सकते हो। चलिए मैं सब खोलता नहीं हूँ अभी। एक और चीज़ मैं इस जैकेट में दिखाऊंगा, यहाँ पे ये वाला जो वाटरप्रूफ पॉकेट है ड्राई कोट, आप देखिए यहाँ पे आप अपना वॉलेट मोबाइल फ़ोन कुछ भी रख सकते हैं, ये पूरा वाटरप्रूफ है। दिस वन बेसिकली, मैंने ये जैकेट जब फर्स्ट देखा था तो आई जस्ट लव्ड दिस जैकेट, और दिस वाज वन ऑफ माय ड्रीम्स। आज मैंने ये जैकेट ले लिया। अभी इंडिपेंडेंस डे राइड है 15 को, मैं ये जैकेट पहन के जाऊँगा। सो, पहले तो मैं रॉयल एनफील्ड का जैकेट यूज़ करता था, वो उसका कुछ लाइनिंग कुछ नहीं था, थर्मल लाइनिंग कुछ नहीं था, वो L1 जैकेट था पूरा। ये L2 लेवल का जैकेट है, बहुत मस्त है। यहाँ पे मैंने लगभग सब कुछ आपको दिखा दिया, और कुछ और मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 42 यानी कि L साइज का टी शर्ट पहनते हो, तो अगर आप ये जैकेट ऑर्डर कर रहे हो तो आपका साइज XL मतलब एक साइज बड़ा होना चाहिए। ऑब्वियसली आप एक साइज बड़ा लेना। और एक चीज, राइनॉक्स का अगर कुछ आप 4000 के ऊपर परचेस करते हो तो उन लोगों का कुछ इंश्योरेंस का भी कुछ आता है, कुछ 50,000 तक इंश्योरेंस वो लोग देते हैं 1 ईयर के लिए। ये मैं कुछ रिव्यू में देख रहा था, एक रिव्यू में, तो वो मैं अभी देखूंगा, मुझे पता नहीं, तो उस इंश्योरेंस का भी आप लोग देख लेना। एंड दिस जैकेट इज लाइक वाओ, अ बिग थम्स अप टू राइनॉक्स।